ओए जल्दी कर कुछ है यार इधर। दोस्तों हमें क्लोज करना पड़ेगा, बात साथ में रखो। शायर ने कहा है कि मंजिलें हैं तो ख्वाब हैं तो रास्ते हैं तो रुकावटें हैं। यहाँ पे जानवर तो नहीं होते? जानवरों को खतरा तो नहीं है रात को? होते हैं भैया, मगर कभी कभी दिखते हैं रात को। क्या भैया ज्यादा, क्या लेपर्ड वगैरह या कुछ और? सभी होते हैं भैया अटैक। तो अभी जैसे हम आज बनाएंगे वेज पुलाव, जब तक आग चल रही है तब तक ये सहारा है। आग से क्या होता है कि जंगली जानवर थोड़े दूर रहते हैं। थक चुके हैं, रीजन जहाँ भी देखो हर तरफ स्नोफॉल हुआ है, लकड़ियां तक गीली हैं। टेक्सचर बहुत अच्छे और खुशबू अच्छी आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज क्या है ना कि आज कुछ नया डेयरिंग करने वाला हूँ। रीजन ये है कि कल बात कर रहा था मैं साहिल, उनके घर गया और बातों में ना भाई साहब ने चैलेंज दे दिया कि कैंपिंग करके दिखाओ। चुप गई, चल पड़ा हूँ आज उनके साथ, देखते हैं क्या होता है कैंपिंग में। मेरे साथ है वैंडरलस्ट साहिल, और साहिल चैलेंज ले लिया मैंने, अब देखते हैं क्या होता है। चैलेंज तो दिया है, देखते हैं आप चैलेंज कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि कैंपिंग इज नॉट इजी। कैंपिंग होती है जंगलों के बीच में और जंगलों में रहते हैं जंगली जानवर, तो वहां पर रात को रुकना एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। सो वहां पर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। सो देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं, मेरे को तो एक्सपीरियंस है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस ये देख ही रहे हैं इसी तरह का कुछ चला, तो वही बता रहा हूँ कि चुप गया, अब मुझे को करना है पूरा ये अपना चैलेंज और बहुत मजा आएगा। तो आप ही जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ और वीडियो आपको पसंद आने वाला है, ये प्रॉमिस। तो अगर आपको पसंद आएगा ना तो जल्दी से कर देना नीचे कमेंट कैसा लगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ टाइम टाइम शेयर करता ही रहूंगा। सो गाइस बढ़ते हैं आगे। सो गाइस पहुंच चुका हूँ, खैर ये मेरा पहला दिन है कैंपिंग का, और आते ही कुदरत ने मुझे एक इतना हसीन मौका दिया। अभी तक यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, आप देख सकते हैं बर्फ पड़ी है और आना सफल हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। चलो स्माइल तो आप देख ही रहोगे, ऐसे ही आपके चेहरे पे स्माइल आने वाले, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको और नज़ारे, और जहाँ भी हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच के सेटअप लगा के फिर करेंगे बात। साहिल क्या बात है, परेशान दिख रहे हो? परेशान हो गया है क्योंकि जहाँ पर हमें कैंपिंग करनी थी ना वहाँ पर स्नो मिल गई है, स्नो में हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। ओहो। किसी शायर ने कहा है कि मंजिलें हैं तो ख्वाब हैं तो रास्ते हैं तो रुकावटें हैं, वही कुछ हमारे साथ भी हुआ। खैर हमें आगे बढ़ना था, और यकीन मानिए ये मार्च का महीना है और नत्था टाप की वादियां बर्फ से ढकी हुई थी। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे अपने मंजिल की तलाश में। हिम्मत ना हारने का नतीजा ये हुआ कि हम एक खूबसूरत लोकेशन मिल गई, यहाँ पे हम अपना वेस सेट लगा सकते थे। सो गाइस कैंपिंग का पहला दिन है और आते ही यहाँ पे क्या करना होता, सबसे पहले आपको रात बिताने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, चारों तरफ स्नोफॉल हुआ है, तो रात को बिताने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ढूंढनी पड़ती है लकड़ियाँ, और लकीली मुझे लकड़ियाँ मिल गई तो ज़्यादा मेरे को घूमना नहीं पड़ेगा। तो कुल्हाड़ी साथ लाया हूँ और अभी यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आया हूँ, और साहिल अभी सेटअप लगा रहा है क्योंकि लेट हो चुके हैं, कि जहाँ पर हमें कैंपिंग का सेटअप लगाना था वहाँ पर ऑल ओवर स्नोफॉल ही है, इस वजह से हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी ही आपको दिखाएँगे सारा नज़ारा। सुनसान जगह, यहाँ पे कोई भी नहीं, और यहाँ पे हमने आज रुकना है, कैंपिंग करनी है। सो दोस्तों देख सकते हैं मैंने सही डिसीजन लिया इनको भेजने का, फाइनली इनको लकड़ी मिल गई और बहुत सारी मिल गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और एक राउंड लग जाए तो और आ जाती, मज़ा आ जाता। क्या लगता है इतनी मुझे नहीं, ये वैसे अच्छा अच्छी लकड़ी मिली आपको? इसमें गम ये देख सकते हैं, अच्छा गम लग गई आपके हाथों में, कपड़े भी खराब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो गाइस ये ऐसे सेटअप लगाते हैं, ये जो करता है ना साहिल कैंपिंग,
कैंपिंग ऑन कार। ये जो आप देख रहे हैं सेटअप, बहुत प्यारा सेटअप है, कुछ ऐसे ही सेटअप लगाना पड़ता है। और अभी हम जंगलों में हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे आसपास आपको बाजार या शॉप वगैरह इवन की सिंगल शॉप तक नहीं। यहाँ पे सब सामान कैरी करो, उसके साथ आपको एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढनी है। लेट हो गए थे और हमें पता नहीं था जहाँ पे हमने सेटअप लगाना है वहाँ पे स्नोफॉल हुआ हुआ है और वो जगह हमें मिली नहीं, तो ढूंढ डांड के जहाँ पे हमें आना पड़ा। और यहाँ पे अभी लगा रहे हैं सेटअप, इसी के साथ आके ही सबसे पहले जैसे आपको दिखाया था कैंप फायर के लिए लकड़ी ढूंढनी इकट्ठा करनी पड़ी, इसके बिना यहाँ पे रात बिताना बड़ा मुश्किल है। सो ये खूबसूरत सा टेंट देख रहे हैं ना, तो इसी में आज रात ये हमारा आशियाना बनेगा। अभी यहाँ पे बैठने के लिए भाई साहब कर रहे हैं सेटिंग्स। होता है ठंड है ना, तो सर जब भी आते हो ऐसे ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया है उस वजह से दिक्कत हो रही है, तो इससे यही सीख मिलती है जहाँ कैंपिंग कर रहे हो ना आप टाइम पे पहुंचो। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है, स्नो। So guys, ये भाई लोग आए हमें देख के यहाँ पे, तो इनको भी क्यूरियोसिटी हो रही थी यहाँ पे हो क्या रहा है, तो कर रहे हैं अभी हमारी हेल्प। स्टिंगरा ओके दा बा चले ला दू आग लगाओ वे निंद्रू। जो भी मिला ना हमने सब लगाया इस पे, पर नहीं रख रखी नहीं रख जानवर तो नहीं होते? जानवरों को खतरा तो नहीं है रात को? होते हैं भैया, मगर कभी कभी दिखते हैं रात को। क्या भैया ज्यादा, क्या लेपर्ड वगैरह या कुछ और? सभी होते हैं भैया, अटैक करते हैं मतलब इंसान, लोमड़ी, तीन चार प्रकार के होते हैं यहाँ पे जी। इस मौसम में ही आते हैं? हाँ, इस मौसम में ज्यादा होते हैं क्योंकि इधर कस्टमर वगैरह कम होता है ना इस टाइम, पब्लिक तो ज्यादा आते हैं। साहिल तो भाइयों देखो गांव वाले कितने अच्छे होते हैं भाई, हर बारी हम जहाँ कैंपिंग कर रहे होते हैं ना गांव वाले आ जाते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। आग नहीं लग रही थी और गांव वालों ने देखो एक मिनट यहाँ पर हमें आग लगा के दे दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। भैया यार आप तो डरा ही रहे हो, मेरा फर्स्ट टाइम है ये, भाई साहब आते रहते हैं इधर, मेरा कोई चांस हो गया हमें देख के नहीं डरना मेरे भाई। नहीं कोई बात नहीं भाई, आप अपने। So guys, साहिल जो कह रहा था आलमोस्ट सच होता दिखाई दे रहा मेरे को कि यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसे भैया ने कंफर्म कर दिया कि खतरा होता है क्योंकि अभी क्या स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, बट तो रात को निकल जाते हैं तो जानवरों को मौका मिल जाता है यहाँ पे अटैक करने का। चलिए देखते हैं रात को क्या होता है, फिलहाल तो अभी हम इनको थैंक्स बोलेंगे क्योंकि उन्होंने हमें हेल्प की आग चलाने में। भैया थैंक यू यार, भैया आपने यार बहुत मेहनत की, थैंक यू सो मच। चलो अगली बार कैंपिंग लगाएंगे, कॉल करके आना, कट्ठे लगाएंगे ऊपर लद्दाधार में। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ना आज फिर से हॉस्टल में आ गया, पर हॉस्टल में हमें खाना बनाना नहीं पड़ता था। अच्छा, वो ये है कि एक्सपीरियंस ऐसा ही है। सो दोस्तों ये हो रही है कैंपिंग इनकी फर्स्ट, तो पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कैसे फील्स हो रहा है फर्स्ट कैंपिंग, वो भी विंटर में, वो भी खतरनाक एक्सट्रीम स्नो के बीच में। बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा डिसाइड हुआ था कल रात को कि हमने, हमारी लोकेशन कुछ और थी डिसाइडेड, और सडनली जब मैं साहब के पास पहुंचा तो लोकेशन होगी चेंज। अब उसका क्या है कि ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं लाए, उसके बाद दूसरा ये है कि जो स्मार्ट स्मोक चाहिए था हमें खाने पीने के लिए वो भी हम नहीं लाए, और लेट भी हो गए। और अभी खैर जो है सफिशेंट है, उसी में हम करेंगे गुजारा, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी जैसे हम आज बनाएंगे वेज पुलाव, जिसे डोगरी अगर समझते हो आप तो उसको बोलते हैं पीले चोल, बट स्पाइसी वाले और मिक्स वेज के साथ जितनी हमें मिली हम डालेंगे इसमें। बहुत ही ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, हम जब कैंपिंग कर रहे हैं क्योंकि जंगल के बीच में कर रहे हैं, जब तक आग चल रही है तब तक ये सहारा है। आग से क्या होता है कि जंगली जानवर थोड़े दूर रहते हैं, तो आग चलती रहनी चाहिए प्लीज़। ठंड में आग को लगाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, सो आग तो लगा के रखेंगे हम। साले एक बात बताना जी, मेरे को ये सब कराने के लाया था क्या?
आप भी कह रहे थे कैंपिंग करनी आप करो कैंपिंग। अरे भाई कैंपिंग के लिए बोला, ये थोड़ी बड़ा खाना बनाऊंगा जाके मैं। देखो दोस्तों कितने मतलब आप तो घर बैठ के देख रहे होंगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, बोन फायर हुआ हुआ है और यहाँ पर दत्ता साहब जी काट रहे हैं सब्जी की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये ब्यूटीफुल सा घर गाड़ी के ऊपर, तो इतनी अच्छी कैंपिंग कर रहे हैं ये, तो ये लाइफ में हर कोई करना चाहता लेकिन कोई नहीं कर पाता। तो गाइस मैं समझता था, मैं बताऊं, समझता क्या आप लकी हो। सुनो ना, ऐसा होता था कि पहले क्या होता था कि मैं जब किसी यूट्यूबर के जो कैंपिंग करते हैं, खैर आपका तो देखता ही हूँ, बाकी मैं इग्नोर कर देता था, मैं यार क्या ये ड्रामा करते रहते हैं, यहाँ गए हैं गाइस, वहाँ गए हैं, आओ ना मेरी तरह, आप चलो ना ढूंढो कंस्ट्रक्शन मंदिर, हिस्ट्री जानो, लोगों को बताओ ये क्या है, बस गए खाना खुना खाया मजे किए। बट यार ये टफ है, बहुत टफ है यार ये ना, बड़ा रिस्की है। उसे अच्छा कि जो मैं कर रहा हूँ ना, खैर वो भी मेहनत वाला काम है, बट ये उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको आके सब कुछ सेटअप, एक घर बनाना पड़ता है अपने घर से बाहर, देख ही रहे हैं मकान बन चुका है और अभी किचन में घुस गए हैं, टमाटोज कट चुके हैं, उसके बाद मशरूम कट चुकी है, आलू कट चुके हैं अभी, ओहो मटर तो रह गया अभी वो छिलने। गाइस यही कुछ है और यार सेल्यूट टू यू गाइस जो कैंपिंग करते हैं, बहुत टफ जॉब है, रिस्की जॉब है और सल्यूट। चलिए बढ़ते हैं आगे और खाने की तैयारी करें और आपको बताते हैं कि हमने कैसे इतना यमी खाना बनाया और खुद खाया। गाइस ये सुनसान सा रोड और यहाँ पे कैंपिंग, और ये ऐसे लोग ये जो करते हैं नाइट कैंपिंग ऐसे करते हैं, मेरा तो खैर फर्स्ट है, मज़ा आ रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कैसे होता है ये सब कुछ, आज खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो अब मज़ा भी आने लगा है। हेलो मिस्टर वेंडल साहिल। सो गाइस क्या है कि अभी जो है ना हमें लकड़ी, सूखी लकड़ी नहीं मिली, और साहिल जी आज कुछ अलग सा लग रहा होगा आपको भी, आज तो बहुत खतरनाक ठंड है यार, आज तो बहुत मुश्किल हो रहा है ना। ये है एक यूट्यूबर की कहानी, मैं हूँ साहिल है कोई भी है, हर बंदा मेहनत करता है, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, हर कोई मेहनत कर रहा है अपने भी फील्ड में, दिखती नहीं किसी को लेकिन पर्दे के पीछे ये सब कुछ होता है। गाइस थक चुके हैं, रीज़न और रीज़न ये है कि जहाँ भी देखो हर तरफ स्नोफॉल हुआ है, लकड़ियाँ तक गिली हैं। महाराज इतनी दूर क्यों चले गए हो? साहिल यार एक शेर सुना आपने? कौन सा? अपनी मर्जी से अपने सफर पे कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ये बट मैं उससे अपोजिट हूँ, हवा का रुख उधर आ रहा था तो खाना बन नहीं रहा था, तो मैंने हवा के रुख के अपोजिट ना इधर शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा रुकाव है और खाना बन सकता। अच्छा तो ये बात है जी। तो दोस्तों वहाँ पर आई थिंक हवा चल रही थी तो यहाँ पर कुकिंग इम्पॉसिबल थी होना, क्योंकि यहाँ पर आग बुझ रही थी, तो अभी यहाँ पर आ गए हम ताकि यहाँ पर किचन, हमारी आपको पता है ये इंडोर किचन है तो इसकी वजह से सारी हवा रुकी हुई है और यहाँ पर हमारा बन रहा है खाना जो कि वेज पुलाव। सो देखते हैं आज का फ्राई और आज का तड़का लगा रहे हैं हमारे नए सदस्य, सो कैसा बनता है खाना आज इनके हाथ से। नया परिंदा और प्रभा भास्कर, आई नो कि यार हर बंदा ना अपने फील्ड में मेहनत करता, मैं अपने में कर रहा हूँ, तू अपने में कर रहा है, अब क्या प्रूफ करेगा, अंदर घुस जाएगा, आजा मुंह खोला अंदर घुस जाना था मैंने। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर तड़का तो लग रहा है, टमाटर देख के तो मुंह में पानी आ रहा है यार, जो तड़का लग रहा है। सो दोस्तों अब डाले जा रहे हैं सारे हमारे स्पेशल मसाले जो कि वेज पुलाव को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। सब डालो, सब टेस्ट है मसाले, बिना देखे डालो, डल भी रहे हैं नहीं।
अब जल्दी इसको पकने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें राइस। टेक्सचर बहुत अच्छे है और खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ देखते हैं कैसा बनता है। चावल थोड़ा डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा है, चावल हम डालेंगे आधा ग्लास। ये प्रेशर कुकर है, जब इंसान को प्रेशर आता ना वो प्रेशर में बहुत कुछ करता है, तो इसी तरह ये भी प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर तो कुछ बराबर कर देता है। सो दोस्तों डिनर इज रेडी, सो खाते हैं इस ठंड में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड हो रही है। बस मेरे को वो डालना, बस इतना इनफ है। ये कितना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है? कोई नहीं, सुबह खा लेंगे, कौन से खराब होने, खराब नहीं होते। सुबह हमने परांठे बनाने हैं। कोई बात नहीं, परांठे भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, बताओ टेस्ट कैसा है। बात बोलूं अगर अच्छा नहीं बना को मेरे को तभी बोलो। चलो कोई नहीं, बोलो बोलो खाओ पहले। मशरूम सच में टेस्ट है, नो डाउट डिनर बहुत ही अच्छा बना था। और जैसे हमें जल्दी जल्दी में जो कुछ बन पड़ा बना दिया, उसके बाद क्या हुआ कि थके हुए थे, नींद बहुत आ रही थी, फिर हमें सोचा कि चलो बाकी कल का हम कल दिखाएंगे, आज थोड़ी सी रेस्ट करते हैं ताकि कल प्रॉपर फ्रेश होके हम दोबारा से एक्टिव हो जाए अच्छी तरह से और आपका करें एंटरटेनमेंट। सो गाइस होम अवे फ्रॉम होम, साहिल भाई का ये घर है तो अभी जा रहा हूँ, ठीक है आइए मेरे साथ। साहिल यार बहुत फैंटास्टिक है यार सब कुछ यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि के दिन मैं उठ गया सुबह जल्दी जल्दी और काफ़ी बना के दी साहिल को, साहिल तो उठ नहीं रहा था, फिर मैं प्राकृतिक नज़ारों को निहारने निकल गया बाहर। सो दोस्तों कुछ इस तरह रहा मेरा पहला कैंपिंग वाला दिन, काफ़ी थकावट भरा था तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, तो कोशिश यही है कि अब आगे जो हम डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं वहाँ पर जाएँ और आपको एंटरटेनमेंट कर सकें और बता सकें जो रियल लाइफ में कैंपिंग कैसे होती है। तो आप देख ही रहे हैं मैं फिर बाहर आके यहाँ पे फ्रेश वगैरह होने लगा, ब्रश किया, नहाया नहाया, उसके बाद प्लान किया साहिल के साथ कि चलिए बढ़ते हैं नए लोकेशन की ओर और चलिए वो आपको हम दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, इसी से हिम्मत बढ़ती है। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी कर कुछ है यार इधर दोस्तों, हमें क्लोज करना पड़ेगा साथ साथ में।